नमस्कार मित्रों, बीज मंत्र के रहस्यों के बारे में काफी लोग अनभिज्ञ है और पूर्ण जानकारी के अभाव में वह उस बीज मंत्र को ना तो जान पाते हैं ना उसको सिद्ध कर पाते हैं और अपना समय भी व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि बीज मंत्र जिस देवता से संबंधित है उस देवता का ध्यान मन में जरूर होना आवश्यक होता है। और बीज मंत्रों की संख्या 1,25,000 से लेकर के करोड़ तक हो सकती है, और जितनी ज़्यादा संख्या होती जाएगी, जैसे जैसे जप का समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जप बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से व्यक्ति में उन ताकतों का समावेश होने लग जाता है, वो ताकतें उनके पास हासिल होने लग जाती है और उसका आभास भी व्यक्ति को धीरे धीरे स्वयं को अनुभूति होती है और वह स्वयं उसको अनुभव करता है। 1,25,000 की संख्या का बीज मंत्र का जब सर्वाधिक सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि अगर किसी भी बीज मंत्र की शुरुआत अगर की जाए तो एक निश्चित समय निश्चित दिन उसी दिन से शुरू करके और लगातार नित्य उसी समय बैठ करके जिस समय आपने प्रारंभ किया था, इस प्रकार से इसी क्रम के अनुसार जो व्यक्ति बराबर अनुष्ठान करता है, यानी कि बीज मंत्र छोटा होता है तो उसे 7 दिन में भी सिद्ध किया जा सकता है, 11 दिन में भी सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि 1,25,000 का अनुष्ठान वो व्यक्ति के ऊपर है कि वो 4 घंटे माला फेरेगा कि 2 घंटे माला फेरेगा, उसके अनुसार यह निर्धारण होता है कि कितने दिनों में बीज मंत्र सिद्ध होगा। यह स्वयं साधक को स्वयं अपना अनुभव और अपना जो भी इसमें उसे सत्या प्राप्त होती है वो स्वयं अपना अनुभव अपने स्वयं के पास रखे और उसे गुप्त रखे, यह भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। और इस बात का भान साधक को होना चाहिए है कि वह कितने दिन का अनुष्ठान कर रहा है, कितने दिन का संकल्प वो ले रहा है। तो अगर यदि 11 दिन का संकल्प लेकर के बीज मंत्र की सिद्धि की जाती है और 1,25,000 का अनुष्ठान किया जाता है तो उसके अनुसार भाग दे करके उतनी संख्या में मंत्रों का जप करना चाहिए कि आपका 11 दिन में 1,25,000 का पुरुषचरण संपूर्ण हो, और उसके बाद में वो बीज मंत्र सिद्ध होता है और अपनी शक्ति दिखाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। मगर जो व्यक्ति इसकी संख्या को पार करते हुए यानी कि 1,25,000 से ऊपर बढ़ते हुए और इसके क्रम में उसी अनुसार चलता रहता है और वह 1 करोड़ के लक्ष्य को जब पार कर लेता है, यानी कि 1 करोड़ के जप को हासिल करने ला, यानी कि इस संसार में एक बहुत बड़ी ताकत स्वयं बन जाना वो माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति 1 करोड़ की संख्या का जप करता है तो उसे चाहिए है कि सबसे पहले वह कम से शुरुआत करे, यानी कि वह 1,25,000 का पुरुषचरण प्रारंभ करे, उसके बाद में वह 5,00,000 का पुरुषचरण प्रारंभ करे, फिर 11,00,000 का करे, फिर 21,00,000 का करे, फिर 51,00,000 का करे, और उसके पश्चात में 1 करोड़ का संकल्प लेकर के वह उस जप को उसके अनुसार 4 महीने 6 महीने इस प्रकार से वो उसे नियमित रूप से संपूर्ण करे, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो अपनी माला को साथ लेकर जाए, अपना आसन अपने पास में रखे, चाहे वह गाड़ी में भी बैठा हो तो उसमें बैठ कर के अपना काम करे, और खाली अगर जो 1 दिन भी अगर इसके बीच में उस व्यक्ति का जप नहीं रहता है, जप नहीं कर पाता है, तो वह सारा पीछे किया हुआ अनुष्ठान बेकार चला जाता है। इसलिए अगर जितने दिनों का अनुष्ठान करना है तो उतना संकल्प लेना चाहिए और नियमित रूप से रात्रि काल में बैठ करके या ब्रह्म वेला में बैठ करके बीज मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, और जब धीरे धीरे आपका जप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके जप की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपके अंदर जो शक्तियों का समावेश होगा इसका आभास आपको स्वयं होगा, अपने जीवन में आप कुछ ऐसी अनुभूतियां करेंगे जिससे आपको इस बात का भान हो जाएगा कि यह शक्तियां जो मुझे प्राप्त हो रही है, जो मेरे कार्य संपन्न हो रहे हैं, ये एक दैवीय शक्ति दैवीय ताकत का ही परिणाम है और उस बीज मंत्र की सिद्धि का ही प्रमाण है। तो इसके अनुसार व्यक्ति को जरूर बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। बीज मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, क्लीम बीज मंत्र होता है, ह्रीम बीज मंत्र होता है, हुम बीज मंत्र होता है, क्रीम बीज मंत्र होता है, ओम बीज मंत्र होता है। ओम मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि जिसमें तीनों देवताओं का समावेश होता है, यानी कि प्रणव अक्षर, यानी कि प्रणव अक्षर के मध्य में तीनों ही देवताओं का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, तो इस बीज मंत्र को भी सिद्ध किया जा सकता है। मगर ज़्यादातर लोग ह्रीम बीज मंत्र या क्लीम बीज मंत्र या श्रीम बीज मंत्र जो कि महालक्ष्मी बीज मंत्र है, एम बीज मंत्र जो कि सरस्वती वाघ बीज मंत्र है, इनको सिद्ध करते हैं। तो इन सभी में अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बीज सभी बीज मंत्रों में एक प्रकार की शक्तियाँ साधक को हासिल होती है, ऐसा नहीं होता है। जिस देवता से संबंधित जो बीज मंत्र होगा उसके अनुसार ही उसकी ताकत उस व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे एम बीज मंत्र सरस्वती महासरस्वती वाघ बीज मंत्र है,
तो उसकी वाक सिद्धि वाचा सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और वो व्यक्ति अगर किसी इस बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद में यानी कि 1,25,000 या इससे ऊपर 1 करोड़ तक का भी लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता है एम बीज मंत्र का, तो वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को जो बात बोलेगा वो बात होकर के ही रहती है, उस बात को कोई भी नहीं टाल सकता है, ऐसी सिद्धि उस व्यक्ति को हासिल हो जाती है। अपनी जबान के माध्यम से वो सारे कार्य संपन्न कर सकता है, एक जगह बैठे बैठे वह काफी दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, यानी कि मात्र ध्यान लगाने मात्र से व्यक्ति अगर 4 धाम बैठा है तो उस व्यक्ति से वो बातचीत कर सकता है, एक जगह बैठ करके अपने आसन पर बैठ करके वह उन सभी धामों के दर्शन कर सकता है। ऐसी ताकतें ऐसी सिद्धियां इस बीज मंत्र से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कील क्लीम बीज मंत्र जो है, जो भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है और इसे काम बीज भी कहा जाता है और सम्मोहन बीज भी इसे कहा जाता है। इस बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद में एक हिप्नोटिज्म की एक ऐसी ताकत व्यक्ति के अंदर आ जाती है जो कि अगर जैसे इस व्यक्ति की कामना होती है जो वो सोचता है वो चीज हो ही जाती है। यानी कि कल्पना कीजिए, मान लीजिए हिरण व्यक्ति इसके सामने से गुजर रहा है और उस व्यक्ति ने 1,25,000 से ऊपर या 1 करोड़ तक की संख्या को क्लीम बीज मंत्र को सिद्ध कर रखा है, तो जैसा अगर वो अपने मानसिक रूप से उस व्यक्ति को उस जानवर को आदेश देगा उसके अनुरूप वो जानवर कार्य करने लग जाएगा। ये सबसे बड़ा इसकी सिद्धि होने का प्रमाण होता है क्लीम बीज मंत्र की। इसी प्रकार क्रीम बीज मंत्र भी माना जाता है। क्रीम बीज मंत्र महाकाली का सबसे ताकतवर बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र से ही इस महाकाली का दर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। और क्रीम बीज मंत्र सिद्ध करने के बाद में व्यक्ति अगर चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है तो शत्रु बाधा सबसे पहले उसकी मुक्त हो जाती है, ग्रह बाधाएं ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। और अगर उसकी संख्या क्रीम बीज मंत्र की 1,25,000 से ऊपर करके अगर वो 1 करोड़ तक बढ़ा देता है तो साक्षात महाकाली के दर्शन होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है और उस व्यक्ति को जरूर महाकाली आदिशक्ति के दर्शन होते हैं और उनके आशीर्वाद का उनके वरदान का वो भागी होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और इसके अलावा जो बीज मंत्र है, जो महालक्ष्मी बीज मंत्र श्रीम बीज मंत्र माना जाता है, जैसे कि हर प्रकार से दरिद्रता व्यक्ति के घर में अगर दरिद्रता का समावेश हो गया है, पैसा धन सब कुछ खत्म हो चुका है, कारोबार मिट चुका है, कारोबार है ही नहीं, धन का कोई साधन नहीं है, गरीबी है, हर प्रकार का व्यक्ति इस बीज मंत्र को सिद्ध कर सकता है। मगर श्रीम बीज मंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो इसकी चीज होती है वो है पवित्रता, यानी कि अगर जो व्यक्ति पवित्रता से नहीं रहता है तो वो इस बीज मंत्र को सिद्धि उसको हासिल नहीं होगी। स्नान ध्यान घर को स्वच्छ रखना, घर में शराब मांस का समावेश ना होना, ऐसे व्यक्ति अपने घर में सिद्ध कर सकता है। अगर ऐसी चीजें ऐसी वस्तुएं आपके घर में आती है तो आप श्रीम बीज मंत्र को किसी मंदिर में जाकर के सिद्ध करें तो आप महालक्ष्मी के उस आशीर्वचन का उस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे जो कि आदिकाल में शंकराचार्य ने इस बीज मंत्र को संफुटित करके इस बीज मंत्र को सिद्ध करके और कनकधारा स्तोत्र का निर्माण कर दिया था और उसके बाद में साक्षात महालक्ष्मी ने उसके सामने सोने की ढेरियां स्थापित कर दी थी। यह बिल्कुल सत्य बात है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और अवश्य ही श्रीम बीज मंत्र सिद्ध करने के बाद में धनागमन होता है और 1,25,000 की संख्या को पार करके जो व्यक्ति 1 करोड़ तक की संख्या को अगर श्रीम बीज मंत्र को सिद्ध कर लेता है नियमित रूप से तो अवश्य ही आद्य शक्ति के उसे दर्शन प्राप्त होते हैं और जिस जैसे धन की वो कामना करता है वैसा ही धन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, चाहे कहीं से ही मिलेगा मगर उसे प्राप्त हो जाएगा। या अगर भक्ति भाव में तीव्रता है और विनम्रता है और अपना मन स्वच्छ है तो अवश्य ही देवी का सौभाग्य दर्शन का भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।